नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ करणी माता के। मैं हूँ आज देशनोक बीकानेर में और आप सामने देख रहे हैं करणी माता का मंदिर। तो दोस्तों देखिए, आज भीड़ तो वैसे थोड़ी कम ही है, आप देख पा रहे होंगे कि भीड़ थोड़ी कम है। आज दर्शन बहुत ही जल्द हो जाएंगे, अब जुड़े रहिए मुझसे इसी प्रकार से। अभी मैं थोड़ी देर में आपको करणी माता के दर्शन करवाऊंगा। किधर जा रहे हो आज? करणी माता के मंदिर में। पहले भी कभी आए हो क्या? कब आए हो? आज के 9 दिन पहले। 9 दिन पहले नवरात्रा स्टार्टिंग के समय? स्टार्टिंग टाइम। और कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आप? एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली। तो दोस्तों आज है हमें करणी माता मंदिर। पक्के नीचे ना जाए। यहाँ से प्रसाद चढ़ाया जाता है और प्रसाद वापस किया जाता है। ये सामने देखिए आप देख पा रहे होंगे, करणी माता के दर्शन कर पा रहे होंगे सामने। अभी हम बिल्कुल सामने मंदिर के पास ही चलेंगे। अभी जी टीवी वाले भी आए हुए हैं, देखिए जी टीवी वाले आप देख पा रहे होंगे, ये भी चैनल पर देने के लिए आए हैं। अब हम भी चलेंगे वहीं पर ही और साक्षात माता रानी के दर्शन करके आएंगे और आपको भी वहीं से दर्शन करवाएंगे। तो दोस्तों हम बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ, अंदर आ गए हम। अभी देखिए करणी माता के दर्शन अभी आपको बिल्कुल पास से होंगे यहाँ से। ये है प्रधान मंदिर, मेन मंदिर अंदर की साइड का। दोस्तों भीड़ बहुत ज्यादा है, फिर भी दर्शन करने के लिए इतने पास आए हैं हम। ये जी न्यूज वाले हैं, ये बता रहे हैं चूहों के बारे में कि यहाँ चूहे किस प्रकार से माता रानी के सामने आते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है करणी माता के साक्षात दर्शन। बोलो करणी माता की जय हो। दर्शन कर लीजिए दोस्तों,
ये हमारे कन्हैया बैठे हैं पास में ही, सामने श्रद्धालुओं की भीड़। तो दोस्तों अभी आपने करणी माता के दर्शन किए, मैं अब आपको दर्शन करवा रहा हूँ चूहों के। यहाँ पर दोस्तों चूहों को काबा कहा जाता है, यह आप देख पा रहे हैं कितने चूहे यहाँ पर हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आते हैं प्रसाद चढ़ा के जाते हैं। बीच बीच में कितने बिल बनाए हुए हैं यहाँ पर। ये दर्शन मैंने आपको पहले भी करवाए थे आज से 10 रोज पहले। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी अच्छी व्यवस्था है इनके लिए। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पर वाइट चूहा दिख जाता है तो बहुत ही शुभ का होता है। कोशिश तो पूरी जारी थी और अभी भी जारी है, लेकिन दिखना मुश्किल है सफ़ेद चूहा। किस्मत वालों को अचानक दिख जाता है और ढूंढते हैं तब नहीं दिखाई देता है। ये देखिए दोस्तों ये है पूरा अंदर की साइड का परिसर मंदिर का। देखिए दोस्तों कितने सारे चूहे पड़े हैं यहाँ पर अभी, तो अंदर की साइड में है। लेकिन बिल जो है बहुत सारे हैं, एक मंदिर का दूसरे मंदिर से आसपास से लिंक बना रखा है बिल से, तो चूहे किधर से किधर भी आ सकते हैं। ये देखिए इधर घुस गया एक चूहा। ये देखिए 5-4 यहाँ पर भी बैठे हैं, कुछ यहाँ पर हैं कुछ यहाँ पर बैठे हैं। सब बिल है आसपास जितने भी हैं सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं। बहुत ध्यान से चलना पड़ता है यहाँ पर चूहों के लिए। एक भी चूहा गलती से मर गया तो सोना या चांदी का एक चूहा से डरना पड़ता है। कहा जाता है कि पाप लगता है यदि मर जाता है तो। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर देखो दूध भी पिलाया जा रहा है चूहों को। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, देखो सामने ये जो आप दिखाई दे रही है यहाँ पर सफ़ेद चूहे दिखाई देते हैं, यहाँ पर कढ़ाई बनती है। देखो ये लोग जो देख रहे हैं वो सफ़ेद चूहों को देखने के लिए खड़े हैं यहाँ पर। कितने श्रद्धालु आप देख रहे होंगे, एक टक नज़र लगा रखी है कि कैसे भी सफ़ेद चूहा दिख जाए और हमारा आना सफल हो जाए। एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्या आपको दिखा, क्या आपको दिखा, बट दिखाई नहीं दिया। मैंने भी बहुत कोशिश करी, आप देख रहे हैं सामने एक कढ़ाई सी है। ये जो कढ़ाई आपको दिखाई दे रही है बड़ी सी कढ़ाई, इसके आसपास ही सफ़ेद चूहा दिखाई देता है। कितने लोग इधर ही देख रहे हैं, यही एक स्थल है। कन्हैया ले के ढंग है नहीं आगो कढ़े आए हो हैं नहीं आगो माता जी के कढ़े के दर्शन कन्हैया दर्शन करा दिया कि दर्शन करा दिया। वीडियो बना रहे हो तू? हां कन्हैया दर्शन कर लिए, अंदर से किए हैं दर्शन। कहाँ जाके आए हो? ऑनलाइन है करणी माता। हाँ जी। कितने दिन से यहाँ पर हो? माता जी से मिल के आए हूँ आज। कितने दिन से? 9 दिन 10 दिन हो गए आज। अच्छा नवरात्र किए हैं यहाँ पर। गजब यार, गजब की सरपाल क्वालिटी अलग है। मल्ले गए फोटो कार के हो गए क्या दर्शन? बहुत बढ़िया तरीके से। तो आज अब किधर की तरफ रवाना जी? अब साला सर। वाह भाई आज दर्शन अच्छे से हो गए। ठीक